सोने का नेवला। एक बार एक राजा ने समस्त लोक में विजय प्राप्त करने के लिए तथा अपनी प्रजा पर धाक जमाने के लिए यज्ञ करवाने का विचार सोचा। राजा ने मुनि, ऋषि और बहुत प्रकांड पंडितों को बुलाकर यज्ञ का आयोजन किया। तभी वहां एक नेवला आकर यज्ञ भूमि में लेटने लगा। नेवले में मनुष्यों की भांति बोलने, सुनने और समझने की क्षमता थी। यह नेवला नीली आंखों वाला था। वह एक अनोखा नेवला था। उसका आधा शरीर हाड़ मांस का साधारण सा और आधा शरीर एकदम चमकीला। जैसे ही सब मुनियों का ध्यान इस नेवले की ओर गया तो वह बड़े ही शांत ढंग से बैठ गया और अचानक बोला, भले लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बहुत दूर से आया हूँ उम्मीद लेकर, परंतु यहाँ इतना निराश हो गया हूँ कि क्या बताऊँ। नेवले भाई, तुम्हारी निराशा का कारण क्या है? मैं चाहता था कि यहाँ मिट्टी में लेटने से मेरे शरीर का बाकी हिस्सा भी सोने का बन जाता, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरी चादरी रह गई। जरा बताओ तो, तुम्हारा आधा शरीर सोने का कैसे हुआ और बचा हुआ भी सोने का कैसे हो सकता है? सुनो, बताता हूँ। मैं मथुरा में रहा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार था। वहाँ बड़ा ही निर्धन परिवार था। एक दिन उन पर प्रभु की कृपा हो गई। किसी दयावान व्यक्ति से उन्हें पेट भर भोजन मिल गया। इसे पाकर उन्होंने भगवान का बहुत धन्यवाद किया और भोजन करने बैठ गया। अभी इस ब्राह्मण परिवार ने भोजन करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि बाहर से आवाज आई, मैं भिखारी, मुझे भूख लगी है। कई दिनों से कुछ नहीं खाया, थोड़ा भोजन दे दो। उन्होंने सुना, ब्राह्मण उठा और दरवाजे पर गया और इस अतिथि को अंदर लेकर आया। उसे आसन पर बिठाया, अपने हिस्से का भोजन वैसे का वैसा उसके सामने रख दिया। बाकी तीनों सदस्य चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने अपना हिस्सा झूठा नहीं किया। भूखे भिखारी ने बड़ी तेजी से मिला हुआ भोजन खा लिया, फिर बोला, भूख मिटी नहीं, थोड़ा और मिल जाएगा। कोई बात नहीं, और लीजिए। ब्राह्मण के बेटे ने वहां और अपना पूरा हिस्सा भी भिखारी के सामने रख दिया। भिखारी इसे भी बड़ी तेजी से चट कर गया। थोड़ा झिझकते हुए बोला, थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा रहेगा। यह कहते हुए फिर ब्राह्मण की पत्नी ने अपना पूरा भोजन उस भिखारी के सामने रख दिया और फिर बहू ने अपना हिस्सा उसे खिला दिया। भोजन करके भिखारी ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मेरा पेट भर गया है। अपने मुझ पर बहुत उपकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात, आपने आकर हमारे घर और गृहस्थी को पवित्र कर दिया और इसकी शोभा बढ़ाई। अभी इनकी बात खत्म ही नहीं हुई थी कि एक चमत्कार हो गया। भिखारी वहां से गायब हो गया और आकाश से एक विमान उतरा। वह उस ब्राह्मण के घर के बाहर आ खड़ा हुआ। उसमें से एक देवदूत निकला। वह अपना हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, मुझे धर्मराज का आदेश हुआ है, उसी का पालन करने आया हूँ।
आप चारों को स्वशरीर स्वर्ग जाना है, कृपया इस विमान में बैठे। और वह चारों स्वर्ग चले गए। नेवले ने आगे कहा, मैं भी कोने में बैठकर यह सब देख रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं भी इस प्रसन्नता में उछलने कूदने लगा, मिट्टी में लेटने पोटने लगा। जहाँ उस भिखारी ने भोजन खाया था, मेरी इस लोट पोट में ही मेरा शरीर सोने का बना था। आधा शरीर सोने का हो गया, यह देखो, आप भी तो इसे देख रहे हैं। इसके बाद जहाँ कहीं भी यज्ञ होता है, मैं पहुँच जाता हूँ, मिट्टी में लेटने लगता हूँ। बाकी शरीर को भी सोने का बनाने के लिए यह कर रहा हूँ, मगर मुझे सफलता नहीं मिली। इसी कारण से मैं यहाँ भी आया हूँ, मगर जैसा आया था वैसा ही हूँ। मेरी इच्छा पूरी न होने से बहुत दुख हो रहा है। मेरा मानना यहाँ का यज्ञ पेट भर भोजन के समान भी नहीं। यदि होता तो मेरा बाकी का शरीर भी सोने का हो जाता। इतना कहते ही चेहरे पर उदासी लेकर भारी मन से नेवला बहुत दूर चला गया।